नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। स्थगन आदेश के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध निर्माण, शासन प्रशासन निर्माण को रोकने में रही नाकाम। जी हां दोस्तों, खबर है यूपी के जौनपुर से। जौनपुर के अंतर्गत बदलापुर उदयपुर गलहवा के निवासी सत्यनारायण सिंह द्वारा कोर्ट से स्थगन आदेश लिया गया था, कोई नया निर्माण न किया जाए, लेकिन विपक्षी अविनाश सिंह द्वारा कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए लगातार निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि सत्यनारायण सिंह के पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। स्थिति यह है कि विपक्षी द्वारा सामूहिक जमीन में लगातार कब्जा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इस स्थिति में सत्यनारायण सिंह के द्वारा कोर्ट से नया निर्माण रोकने के लिए स्थगन आदेश लाया गया, लेकिन विपक्षी थाना पुलिस शासन प्रशासन के फैसले को दरकिनार करते हुए लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर स्थगन आदेश शासन द्वारा दिया गया है तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, यह जिम्मेदारी नजदीकी पुलिस की होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस स्थिति में सत्यनारायण सिंह के द्वारा जिले के आला अधिकारी से निवेदन किया गया कि कोर्ट के फैसले को कायम रखने के लिए जब तक हम लोगों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक नया निर्माण को रोका जाए। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज। नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह पुत्र गिलवा बदलापुर जौनपुर का निवासी हूँ। 2015 में रिटायर होने के बाद लॉकडाउन लगा, उसके बाद मैं गांव जाने का निश्चित किया। पैसे के अभाव में जो मैंने पढ़ाई लिखाई की थी और बाद में सर्विस क्वालिफाई करके मैं गया मंत्रालय में सर्विस किया। उसके बाद गांव में सोचा रहने के लिए तो हमारे विपक्षी लोगों ने कहा कि आपकी जमीन दे देंगे, लेकिन कभी दिया नहीं, कोर कोर घुमाते रहे। यहाँ तक ये बन करके सामने मट्टी पाटने के लिए मैंने मट्टी लाया, वो भी पाटे नहीं दिए। इतना उतावले हो गए, इतने मारे पीटे, मैं मेरी पत्नी और मेरी बेटी उन्होंने घायल कर दिया, जिसका FIR बड़े मुश्किल से बदलापुर थाने में दर्ज हुआ। उसके बाद जमीन मांगते रहे नहीं मिला। मैंने चकबंदी न्यायालय में पार्टीशन के लिए केस चालू किया, वो आज तक प्रलंबित है। शुरू से आबादी की जमीन जो 2831/2 है आबादी के बाहर, वह और 2831/1 दोनों में मिलकर के ये मकान बनाया जा रहा है। इतना अधिक स्टे ऑर्डर लाने के बाद भी मैंने न्याय मांगा और मुझे मिला भी आदेश, फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे कोई सहकार नहीं मिला। पुलिस कहती है कि आप आइए यहाँ पर, अपनी तहरीर यहाँ दीजिए। जो आदमी हमको मार करके बेहाल कर दिया और उसका FIR लाज हुआ, गांव वाले कौन बचाएगा मुझे। इतना होने के बावजूद भी आज उनका मकान जो है छत पड़ने के कगार पे आ गया और रातों रात 2 बजे रात तक मोबाइल जला करके उनका सरिया बांधा गया। तो मैं गुहार करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यह काम जो है पुलिस प्रशासन जो है अपनी निष्क्रियता दिखा रही है दोनों तरफ से, उसको सक्रिय किया जाए और मुझे न्याय मिले, यही अपेक्षा रखता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।